जय हिंद दोस्तों, डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आरएएमसी का एग्जाम हो चुका है, अब क्या? कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि ठीक है, आरएएमसी का एग्जाम तो हो गया है, अब हम रिलैक्स हो जाते हैं। देखिए, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आरएएमसी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमने क्यों की, आरएएमसी का एग्ज़ाम हमने क्यों दिया, हमारा एंड रिज़ल्ट क्या था। ये वीडियो अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो एक बार वो सोचें कि उनका अल्टीमेट गोल क्या है। अगर उनके पेरेंट्स ने उनसे कहा था कि आरएएमसी का एग्ज़ाम देना है, तो एक बार पेरेंट्स से जाके पूछें कि आपने हमें आरएएमसी की प्रिपरेशन क्यों करवाई। जहाँ तक मेरी उम्मीद है, सबके आंसर आएंगे कि हर कोई पेरेंट्स और स्टूडेंट का जो सपना है वो ऑफिसर बनने का है। बहुत से स्टूडेंट्स सबसे कहते हैं कि सर हमें आईएएस ऑफिसर बनना है, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करनी है। तो कभी भी अपने एंड रिजल्ट को नहीं भूलना है। एक कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आपने चींटी को देखा होगा कि चींटी जब कोई काम करती है तो वो करती रहती है। कभी आप देखेंगे कि चींटी अगर किसी काम पे लगी हुई है तो आप जाइएगा उसको रोकने की कोशिश करना, उसके आगे खड़े हो जाइएगा या कोई बैरियर आप बना दीजिएगा, तो चींटी कहीं ना कहीं रास्ता निकाल ही लेती है और अपना काम करती है। Until and unless आप चींटी को मारो नहीं, उसका काम तभी रुकेगा जब आप उसको मार दोगे। लेकिन वो तब तक अपना काम नहीं रोकती जब तक उसका काम होना, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए वो सॉल्यूशन की तरफ देखती है। इसी प्रकार अगर किसी स्टूडेंट्स का एग्जाम अच्छा गया है तो वेल एंड गुड, अगर किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा नहीं गया है तो आपको अपने एंड रिज़ल्ट को फोकस करना है। वो एंड रिज़ल्ट क्या है कि आपको ऑफिसर बनना है। तो आपको अपनी तैयारी छोड़नी नहीं है, आपको तैयारी करनी है। ये तो एक पहला पड़ाव था, ये तो एक पहला स्टेप था जो कि आप लोगों ने पार कर लिया है। अब जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे आगे, आपको उन एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है और तैयारी में एक भी दिन का गैप नहीं देना है। धन्यवाद दोस्तों।